सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और आज फिर निकल पड़े हम लोग अपने संडे हाईवे राइड पे। लास्ट तीन चार वीडियोस तो ऐसे ही है, संडे राइड कर करके। और आज अपने साथ कुछ स्पेशल बंदे हैं, जैसे कि ये सबसे स्पेशल बंदा और को प्रभु स्पेशल क्योंकि स्पेशल इसलिए क्योंकि आज इसका फर्स्ट हाईवे राइड है। बच्चे को कभी जाने नहीं देते। आज आंटी ने मुझे, आंटी इफ यू आर वॉचिंग दिस, मैं अच्छे से इसका ध्यान रख रहा हूँ, बिल्कुल भी 60 के ऊपर इसको जाने नहीं दे रहा हूँ, है ना। आप कोई टेंशन मत लो, एकदम सेफ राइड कर रहे हैं हम लोग। और लाइनअप का बात करें तो आज अपने साथ है एक RS 200, एक RC, मेरा R15, दो FZ और एक अपाची वाला बंदा आने वाला है, और एक RC 390 वाला बंदा है, वो अपना उसका बाइक पंचर हो गया तो अभी ठीक कर रहा है। और आज का डेस्टिनेशन है अपना हिंदुस्तान ढाबा, देखते हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं, यहाँ से अराउंड 30-35 किलोमीटर है, तो उतना टाइम हमको लगेगा नहीं। अगर नॉर्मल स्पीड मेंटेन किया तो एक घंटे में पहुंच जाएंगे। मतलब 60-70 के ऊपर हम जाते नहीं है, हो जाएगा, पहुंच जाएंगे। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to. और जिस अपाची की हम लोग बात कर रहे थे, वो अपाची अभी आ गया है। मीटअप टाइम था अपना 7:30 था, मीटअप टाइम डानकुनी पे, और ये 7:37 पे मेरे को घर से ब्लॉग का इंट्रो भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे। देखो इस बंदे को, देखो गौर से देखो इसको। सर आप लेट आने का क्या रीजन देंगे? হ্যাঁ কি বলছো, কি গরিব কি চলো 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 তোমরা বেরো, ক্রস করছি আমরা। টেল করছো? চলো চলো চলো, चलिए शुरू करते हैं अपना संडे राइड। और ये अमृतदा रेस मोड ऑन। अर्को ए दाड़ा, এই তো ট্রাভেল উইথ এজি, উইথ ইজ ফুললি লোডেড RTR 200, লাদাখ রেডি বাইক। এই অর্ক আসতে চালা, আন্টি কিন্তু ভিডিও দেখছে আমার। তো আজ বহুত দিনও বাদ হম লোক ফাইনালি এক ব্রেকফাস্ট রাইড পে যা রে, इतने दिनों से राइड हुआ नहीं था इसलिए चैनल पे वीडियोस भी नहीं आ रहे थे। होटल नवान्नो, हमने पहले प्लान किया था कि होटल नवान्नो में जाके वहाँ पे केक कटिंग करेंगे, बट फिर वी वर नॉट श्योर कि मॉन्गेनियस तब पूरा रहेगा कि नहीं, इसलिए अनवेज था पहले ही केक लेके आ गए। और अभी हम डायरेक्ट रुकेंगे हिंदुस्तान ढाबा पे। डोमिनार, अच्छा ओए शिट दैट वाज क्लोज। ঠিক আছে আর একটু আগে গিয়ে দাঁড়াও, আমরা আসছি।
थोड़ा आगे जाके रुकेंगे, रुक फिर जाएंगे। I've never seen an ass like that. Shit. Guys, look at this. ये देखो। अरे बेटे, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। This is why we ride. Just for this view. हाईवे राइड्स का क्या बताएं यार, अलग फील है। आज़ाद दिन ठीक है, खाना अच्छा है, बट आज बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था, इसलिए हमने आज आज़ाद दिन का प्लान ड्रॉप कर दिया। हिंदुस्तान में भी वैसे क्राउड तो होगा, बट कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। अभी थोड़ा सा स्लो जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान होटल 2 किलोमीटर अहेड, पिछले बार गलती से क्रॉस कर दिया था मैंने। ये देखो, देख रहे हो, ये सेम चीज पिछले दिन भी हुआ था, सेम चीज, बिना इंडिकेटर के फट से टर्न ले रहा है। अरे अरे क्या एंट्री मारा लड़के ने। देखा, वो मिस करके आगे निकल गया। सेम चीज हमारे साथ हुआ था। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं हिंदुस्तान ढाबा। बहुत मज़ेदार राइड था, ऑर्को का फर्स्ट राइड था। ऑर्को कैसा लगा? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वैसे इसका फर्स्ट राइड था नहीं, ये पहले कार में NS2 में चला चुका है, बट बाइक में इसका फर्स्ट राइड था। तो हाँ। और बाइक का एक्सपीरियंस अलग होता है, टू व्हील्स एनी डे। मेरा तो आज लेके अभी तक मतलब बाइक ही, क्योंकि हम लोग जिस तरह से निकल सकते ना इधर उधर से, गाड़ी बहुत बहुत लंबा लंबा जैम लाइक, और एक थ्रिल होता है। 2 किलोमीटर का जाम तो हमने क्रॉस किया था, वो आराम से घुसने के बाद स्टेट हाईवे पे, तो वो अगर गाड़ी रहता तो वहाँ पे लग जाते, ठीक है, पूरा लग गए हमारे। और पीछे देख सकते हो, वो रहा हिंदुस्तान ढाबा, और यहाँ हमारे सारे बाइक्स पार्क्ड हैं। और आज जो मजा आया, आज तो मतलब आप तो देख ही चुके होंगे, वो तो फुटेज इसके पहले ही होगा, देख ही लिए होंगे। जैसे कॉन्टिनेंटल GT को हमने स्मोक किया, वो तो अलग ही था। मतलब ठीक है भाई, तुम्हारा ज्यादा सीसी का बाइक है, बट स्किल्स मैटर करते हैं। एक तो लगता है फर्स्ट थिंग इज दैट वो हिमालय ना कॉन्टिनेंटल GT का जो एरो है, ठीक है, और उसका बाइक का टॉप एंड का जो मतलब स्टेबिलिटी है, उसका बाइक रहेगा नहीं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बोले पर्टिकुलरली R15 कट्स टू द एयर मच मोर बेटर देन द RC, क्योंकि उसमें वो ज्यादा कमिटेड पोजीशन है, ठीक है। अभी जो मैं अपने ब्लॉग पे भी बोला था कि हम लोग मतलब मैं 100 पे भी अगर चलाऊं, फिर 90 में भी चलाऊं, अगर 80 भी चलाऊं, तो मैं चला रहा था 80 पे, तो उसमें अगर डक डक नहीं किया तो उससे क्या होता है। आंटी झूठ बोल रहा है, हम लोग 60 पे थे। जो बाइक है वो मतलब बहुत शेक कर देगी, देयर समथिंग कॉल्ड क्रॉसविंड। ये बोलने का मतलब वैल्यू ये था कि वो बंदे कॉन्टिनेंटल GT में और हिमालयन में जैसे हम लोग को टान रहे थे, ठीक है, उनका बाइक स्टेबल नहीं था, मतलब वन स्प्लिट सेकंड वन सिंगल मिस्टेक एंड देयर गॉन। और एक तो चलो ठीक है, नॉर्मल टान रहे हो, ठीक है, इसको ट्रॉल करने के लिए वो हिमालयन को बोल रहा है हाथ पीछे करके तू हिमालयन में इसको ओवरटेक कर। मतलब भाई तेरा हिमालयन है, वो RC है, तू दो हाथ छोड़ के भी चला फिर भी निकल जाएगा वो, एक हाथ पीछे करके चलाने का। टांग ऊपर स्लाइडर पे टांग रख के क्रॉस किया। इन शॉर्ट, इफ यू थिंक यूर बैड, वी आर योर डैड। चलो मिलते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर निकलते टाइम शूट करेंगे। चलो की फोन दिए ब्लॉग करछी, यही देखो, यही तो असल ब्लॉगर, यही देखो ब्लॉग भाई। अरे कॉस्ट ऑफ द एडमिन, यही है व्हेन यू डोंट कम फॉर अ राइड, ऐसा ही होता है हाल। ये देखो, ये ऐसे होते हैं एडमिन, ग्रुप के एडमिन ऐसे होते हैं। बिस्तर में लेटा हुआ है, हम लोग राइड कर रहे हैं, ये लेटा हुआ है, देखो ये देखो स्टिकर भी। बस यही एक ड्रीम है, हमको भी ऐसा एक बार अपना स्टिकर और किचन बनाना है और ऐसे ही बांटना है।
गाइस हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे एंड हमें एक यामा का ग्रुप मिला है, तो जस्ट लुक एट द लाइनअप, सारे R15 एक साथ, यार ये है लाइनअप, क्या बताऊँ, मज़ा आ गया लाइनअप देख के। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ शूट करने का है नहीं, वही सेम रूट है जाते टाइम। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। अभी हमारा प्लान है थर्ड वीक में पुरुलिया लॉन्ग राइड करने का, तो उसके सीरीज आएंगे, तब तक शायद बीच में वीडियोस ना आए, चलो देखते हैं, लेट्स सी, बाय बाय।